तुम्हारे बेटे ने कोई आस तो दिलाई होगी ना इसको, वरना ये सब कुछ छोड़कर यहाँ तक क्यों आती? छत कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई भी एरी हरी लड़की आके ये बातें करेगी तो क्या हमारा बेटा हर लड़की से शादी करने का? व्हाट आर यू सेइंग? मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है डैड, दिलावर की कजन है ये, उसकी शादी में मिली थी मुझे, इसको ठीक से जानता भी नहीं हूँ। इसको नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये यहाँ क्यों आई है। इसके घरवाले इसकी शादी किसी साइको के साथ कर रहे हैं, इसलिए मेरे पीछे पड़ी हुई है। Get this liar out of my house. चलो निकलो मेरे घर से। क्या समझ रही हो? यहाँ आके मेरे बेटे को फंसा के उसकी जायदाद लोगी? Not happening. तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि तुम मेरी बहू बनने के ख्वाब देख रही थी। अपने बाप की इज्जत तो तुमने नहीं रखी, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। तुम अपने अब्बू को नहीं जानती, उनका जरा भी मेहनत पड़ गई ना तो तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। जो अपने माँ बाप की इज्जत दांव पर लगाकर घर छोड़ सकती हैं, उन जैसी लड़की से मैं कभी शादी नहीं कर सकता। जुड़ी तो उससे भी नहीं जिससे नाम जुड़ा है आपका, जो बीच चढ़ाए आपको जलील करके रखते हैं, जो एक बार भी नहीं सोचता कि आपके दिल पर क्या बीते। वो तो अच्छा खासा अपने वालिदैन को लेकर आ रहा था रिश्ते के लिए, फिर वो कहीं तुमसे झूठ तो नहीं बोल रहे? तुम कहाँ फंस गई हो? काश मुझे मिली होती। तुम इस तरह संभाल के रखता जिस तरह इंसान अपनी बहुत कीमती चीज को संभाल कर। कम से कम इतना हक तो दो कि अपने दिल की बात कह सकूं तुमसे। बड़ी बदतमीज लड़की हो तुम, मेरे ही घर आकर मेरे पेरेंट्स के सामने जो मुंह में आ रहा है बोली जा रही। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई भी कहानी सुनाओगी और हम सब मान रहे? मैं इसको नहीं जानता, ये झूठ बोल रही है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? डेट बनी यहाँ खड़ी हो, इज्जत के साथ चली जाओ यहाँ से, नहीं तो गार्ड्स को बुला के धक्के मार के निकलवाएंगे तुम्हें।
तुम्हारे अब्बू का फोन। वो कह रहे हैं कि वो तुम्हारी फुप्पो को लेकर मुझे और ऐना को बाजार ले जाने के लिए आ रहे हैं। फोन करो उसे, इससे पहले कि अजाब हो जाए। फोन उठा लो। फोन क्या हुआ, नहीं उठा रहे? अम्मी बेल तो जा रही है लेकिन वो फोन पिक नहीं कर रही। ये भी तो हो सकता है कि ट्रैफिक का इतना शोर हो उसको आवाज नहीं आ रही हो। इस लापरवाही की उम्मीद नहीं थी मुझे ऐना से, उसे तो हमें फोन करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि वो वापस आ रही है। क्या हो गया है अम्मी, अभी एक घंटे पहले पहुंची है वो, बात भी हुई है हमारी। अब इस तरह मैं बार बार तो नहीं उसको कॉल कर सकती ना, घबरा जाएगी वो। और जो मेरी जान पे बनी हुई उसका क्या, उसका जल्दी आना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि तुम्हारी फुप्पो आ जाए, इससे पहले कि तुम्हारे अब्बू को पता चल जाए। अच्छा मैं करती हूँ कॉल उसको दोबारा, जल्दी आ जाए। उठा लो कॉल है ना, मैसेज भेजो उसे। मैसेज छोड़ देती हूँ मैं, कॉल तो नहीं पिक कर रही तो मेरी। लड़की रिश्ते निभाने वाली है, तुम्हारी तरफ कभी कदम नहीं बढ़ाएगी। जानता हूं वो कोई आम लड़की नहीं, लेकिन आम तो रजा का दिल भी नहीं जिसकी धड़कन वो बन चुकी है। लेकिन इसमें कुछ अलग बात है, ये रजा अमजद खान के दिल को भा गई है। यार तुम्हें तो बहुत सी और लड़कियां मिल जाएंगी, इसके पीछे क्यों पड़ गए? मुझे बस वही चाहिए, उसके अलावा और कोई नहीं। रजा तुम अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो क्या करूं, क्या करूं इस दिल का जिसको उसकी चाह। मुझे लगता है अगर वो मुझे ना मिली तो सब बर्बाद हो जाएगा। आप प्लीज अपने दोस्त को समझा लें, देखें वो जो चाहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता और ना ही मैं ऐसी लड़की हूँ, ऐसा करके वो कोई हीरो नहीं बन रहा। आप प्लीज उसको यहाँ से ले जाएं, प्लीज खुदा का वास्ते उसको ले जाएं। मैं इसको नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये यहाँ क्यों आई है। इसके घर वाले इसकी शादी किसी साइको के साथ कर रहे हैं, इसलिए मेरे पीछे पड़ी हुई है, जो अपने माँ बाप की इज्जत दांव पर लगाकर घर छोड़ सकती है। तुम जैसी लड़की से मैं कभी शादी नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी डैड, मैं उस लड़की को जानता तक नहीं हूं। दिलावर की शादी में मिली थी, उसकी कजन है कोई। मैंने उससे शादी का कोई वादा नहीं किया। इनफैक्ट मैंने किसी लड़की से शादी का कोई वादा नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी के फैसले आप करें। अमजद अब तो मूड ठीक कर लें अपना, अगर इसके दिल में चोर होता ना तो इतनी बड़ी बात नहीं करता। आज एक आई है कल दूसरी आएगी, एंड आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। डैड आपको क्या इंश्योरेंस चाहिए? आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। अमजद अपनी औलाद पे ना एतमाद करना सीखें, ट्रस्ट हिम। वो आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, आप उसकी बात सुन भी नहीं रहे। मैं अब ज़बानी कलामी बातों को यकीन नहीं करता। He has to give some assurances. किस किस्म की अश्योरिटी चाहिए आपको? Well, जाने से पहले इसकी हम मंगनी करेंगे, 3-4 महीने बाद जब वापस आओगे तो तुम्हारी शादी होगी, मंजूर है? मंजूर है। आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो फिर ठीक है, लाशारी साहब के घर चलते हैं 2-4 रोज में। मैंने सुना उनकी बेटी लंदन से ग्रेजुएशन करके आई है, अगर इसकी शादी वहां हो जाए तो हमारे खानदान के लिए और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। व्हाटएवर यू वांट, आई एग्री। और देखिए कितना अच्छा बच्चा है, आपकी ख्वाहिश के सामने ना सर झुका दिया उसने। आई मीन प्लीज अब गले तो लग जाए ना, स्टॉप फाइटिंग बोथ ऑफ यू प्लीज। मॉम, डैड के गुस्से में भी उनका प्यार है। स्वीट अमृत, कम आओ बेटा।
Come, give me a hug. आप सड़क पे बेहोश पड़ी थी, मैं ही उठा के आपको लाया यहां पे। घर से भागी हुई लड़की नहीं हूं, ना ही अपने मां बाप की इज्जत को रोंद कर यहां तक पहुंची हूं। उसने मुझे खुद बुलाया था। मुझे इतना बताएं कि आपके घर में किसी को मालूम है कि आप कहां पे हैं? मेरा फोन। आपका बैग गाड़ी में है, शायद उसी में आपका फोन भी है। का बहुत शुक्रिया कि आप मुझे यहां तक लेकर आए। एक एहसान और करते मुझ पे, प्लीज बस स्टॉप तक पहुंचा दो, घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं छोड़ूंगा, अभी डॉक्टर ने कुछ घंटे आराम करने के लिए कहा है आपको। दीदी अपने घर के दरवाजे बंद नहीं कर सकती, ऐसे भी जिस काम से आई थी वो तो हो गया, रुक कर करूंगी भी क्या? आपकी तबीयत वाकई खराब है, कुछ घंटे आराम करें तो बेहतर है। इतनी जिल्लत से नहीं मरी, ये बीमारी क्या मारेगी मुझे? शाम से पहले पहुंचना था, अम्मी और आयमा तो परेशान हो रही होंगी।
हेलो हेलो एना, कहाँ हो तुम? कब से पागलों की तरह तुम्हें कॉल कर रही हूँ। पुप्पो घर आ रही है तुम्हें मार्केट ले जाने के लिए। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या करें हम? तो पुप्पो को मना कर दो किसी तरह, मुझे पहुँचने में अभी वक्त लगेगा। और वो तो जाहिर है, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही हम। लेकिन तुम्हारी वापसी का भी तो कुछ कन्फर्म हो। मैं बस स्टॉपर हूँ, बस टिकट ले रही हूँ। एना मैं बता रही हूँ तुम्हें, अब्बू के वापसी आने से पहले तुम आ गई तो ठीक है, लेकिन अगर तुम किसी वजह से नहीं आ सकी ना तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। कहाँ ना स्टॉप पर हूँ, प्लीज कुछ भी करके 3-4 घंटे मैनेज कर लो। हेलो हेलो एना, हैदराबाद के लिए बस तो निकल गई है तकरीबन 5 मिनट पहले, और अगली बस शायद 3-4 घंटे बाद जाएगी, वो भी आई एम नॉट श्योर। लेकिन क्यों? स्ट्राइक का कह रहे हैं, और स्ट्राइक शायद 2 दिन चलेगी। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, मेरे वो बहुत गुस्से वाले हैं, मैं उनको क्या बताऊंगी कि मैं कहाँ थी। मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। रोने से कोई हल नहीं निकलेगा, कुछ करते हैं। मुझे पता है मुझसे गलती हुई, मुझे इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। हमदान मेरी इज्जत वाकई बहुत दांव पर लगी है, आपके पास कोई तो तरीका होगा। आप मुझे स्टेशन तक छोड़े हैं। आई थिंक रेलवे स्टेशन यहाँ से करीबन 1.5 घंटे के फासले पे है, और पीक आवर्स में जाते जाते हमें 2-2.5 घंटे लग सकते हैं। प्लीज मुझे बचा लें, कुछ भी करके मुझे घर पहुंचा दें, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है, प्लीज कुछ करें। आप प्लीज प्लीज ऐसा मत करें, आप हाथ क्यों जोड़ रही हैं? मैं कुछ करता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको खुद छोड़ आता हूं, ठीक है? थैंक यू सो मच मॉम, अगर आप आज ना होती तो सनी क्या हो जाता? आई कांट कवर अप फॉर यू एनी मोर, अब मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकती बेटा। आज एक लड़की घर के दरवाजे तक आ गई, ऐसे रिश्तों को घर से बाहर रखते हैं। मैं क्या करूं, मैं हूं इतना हैंडसम, हर लड़की मेरी बीवी बनने का ख्वाब देखती है, यू नो। डोंट टॉक रबिश, मैं तुम्हारे टैक्टिक्स समझती हूं, ठीक है? लड़की कितने भी ख्वाब देखे ना, वो घर तक नहीं आती जब तक उसको दावत नहीं दी जाए। ओके स्टॉप इट, बिहेव योरसेल्फ, आई कांट सपोर्ट दिस एनी मोर। I'll be careful. आप फिकर ना करें। No, मैं तुम पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकती। I don't trust you. तो मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारी शादी करने लगी हूँ, बस। आप जो जी में आए वो करें। मैं पूरा तैयार। अच्छा सुनो, हमदान को थैंक यू कर देना, उस बेचारे ने तुम्हें बहुत सपोर्ट किया है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, हर जगह मेरा साथ देता है। मैं I'll make sure कि मैं उसे personally आज मिलके थैंक यू बोलूं। Good. Behave yourself. कुछ उसके साथ हुआ अगर मेरे साथ हो तो आप क्या कहेंगी? क्या अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ हो? बेटा हमदान ऐसा लड़का नहीं है, हमदान मेरा भांजा है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ सकता। मर्द का दिल और नियत बदलने में वक्त नहीं लगता मॉम। आपा ऐसी क्या इमरजेंसी थी? बाजार तो बाद में भी जाया जा सकता है, आज मेरी ना कुछ तबीयत ठीक नहीं। हाँ हाँ कल भी जा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि कल तो सुनार की दुकान बंद है, उसने कहा कि भाई आज आ जाएं आप। तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो हम ऐना को ले जाते, क्यों महमूद? तो इसमें कोई मसला नहीं है आपा, ऐना ने जेवर पहनना है तो खरीदना भी तो उसको अपनी मर्जी से चाहिए।
जाओ ऐना को बुलाओ, पप्पो के साथ जाएंगे। वो ऐना घर पे नहीं है। घर पे नहीं है, कहाँ गई वो? एक किसी दोस्त ये मंगनी है उस पे गई है। अरे तो अब तक तो आ जाना चाहिए, देर नहीं हो गई काफी? जी आपा, काफी दिनों के बाद अपनी सहेलियों से मिली है ना, तो जरा देर हो गई है। आयमा, उसे फोन करके बोलो जल्दी घर आए। अरे महमूद, क्या जरूरत है? बच्ची है, नहरसे के बाद अपनी सहेलियों से मिल रही है, तो क्या हर्ज है, थोड़ा एंजॉय कर ले। सुबह 10 बजे से वो गई है, अब शाम के 6 बज रहे हैं, इतना एंजॉय काफी होगा उसके लिए, नहीं? बरखुरदार, तुम्हें कैसे पता कि वो सुबह की गई हुई? पता तो मुझे और भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी आप जरा इनसे पूछिए कि वो किस सहेली के घर है, ताकि मैं जाके उसे ले आऊं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आयमा बेटा, तुम जी अब्बू, ऐना को फोन करो और उसको कहो कि मैं खुद उसको लेने आ रहा हूँ। ठीक है, मैं करती हूँ। सुनो, मैं ट्रैफिक जैम में फंस गई हूँ, पता नहीं कौन सी रोड ब्लॉक हुई है जिसकी वजह से सारी गाड़ियाँ यहाँ रुक गई हैं। ना यार, तुम टाइम पे निकलती तो ये सब तो ना होता ना। अब मैं क्या जवाब देती फिरूंगी यहाँ पे, थक गई हूँ मैं तसल्लियाँ देते देते। और मैंने तुम्हें उससे मिलने के लिए भेजा था, कोई दिल लगाने के लिए नहीं भेजा था। ऐसा लग रहा है तुमने कोई निकाह ही पढ़वा लिया है, जब भी तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा वापस आने को। किससे निकाह पढ़वा लिया है तुम्हारी बहन ने? किसी से नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपने कानों से सुना है तुम अभी ऐना के निकाह की बात कर रही। अरे नहीं उस्मान भाई, कोई गलत फहमी हो गई होगी आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इस बात का शक आज सुबह से ही था कि तुम दोनों माँ बेटी झूठ बोल रही हो मुझसे। अब मुझे यकीन हो गया है, अब मैं मामू को ये बात बताऊंगा, वो उगलवाएंगे तुमसे सच और झूठ। उस्मान भाई रुकिए, उस्मान भाई मेरी बात सुनिए। आप एक काम करें, कुछ देर के लिए फोन बंद कर दें, ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, ये इस मसले का हल नहीं है। अगर मैंने फोन बंद कर दिया तो मेरे घर वाले और परेशान हो जाएंगे। अब तो जो होना था वो हो चुका है। घर पहुंचेगी तो उनको बता दें, मजीद परेशान होने का फायदा। आप पता नहीं क्या सोच रहे होंगे ना मेरे बारे में, कि मैं कैसी लड़की हूँ। एक बुलावे पर मैं दौड़ी चली आई, अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगाकर। मेरे आने की वजह शायद ही वो मैं आपको बताना चाहती थी। मैं नहीं जानना चाहता, आप मुझे क्यों बताना चाह रहे हैं? आप प्लीज मुझे कुछ एक्सप्लेन ना करें और मैं आपको हरगिज जज नहीं करूंगा। आपकी अपनी जिंदगी जैसे मर्जी गुजारो। उसको सोच लिया, वलीमे का खाना तो मैं दूंगी नंबर वन। अकलौता बेटा है मेरा, इस पे कंप्रोमाइज नहीं करूंगी भाई मैं। कम से कम 10 डिशें तो होनी चाहिए। अरे आपा, इतना खर्चा करेंगी तो क्या बाकी कर्ज लेंगी? अभी तो आपने घर की मरम्मत भी करवानी है। अरे छोड़ो, सब हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बच्चों की खुशियों से बढ़के तो कुछ नहीं है ना, तुम फिक्र ना करो, सब हो जाएगा। उस्मान भाई। मैं? हां, मैंने कहा था ना आपसे, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ऐना भाग गई है घर से। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं,
अभी अपने कानों से सुना है मैंने, आपकी लाडली बेटी घर छोड़कर अपने आशिक के साथ निकाह पढ़वा चुकी है। जबान को लगाम दो, ये क्या पके जा रहे हो, वरना कुत्ते से खींच लूंगा ये जबान। हकीकत है ये, मैंने अभी अपने कानों से सुना है, मेरे दोस्त ने उसे बस स्टैंड पर देखा था। आपदा, ये क्या हो रहा है, ये मुझसे क्या क्या छुपाया जा रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं छुपा रहे, गलत फहमी हुई है उस्मान को। अगर उस्मान गलत कह रहा है तो आयमा से पूछ लेना, इसे तो सब पता है, पूछे। आयमा से पूछने की जरूरत नहीं, आप मैं डायरेक्ट उसको फोन करता हूं। शायद मंगनी में बिजी होगी ना, इसलिए। ये तीनों माँ बेटियों की मिलीभगत है, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा है? मेरा यकीन करें, ऐना इस शहर में नहीं है मामू। क्या सबूत है तुम्हारे पास जो मेरी बेटी पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो? मैं सबूत के बगैर बात नहीं करता। तो फिर ठीक है, लाओ सबूत। अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी बेटियां क्या हैं और कैसी हैं। इतने बड़े बोल मत बोले मामू, हकीकत जानने के बाद आपका सर शर्म से झुकने वाला है। क्या बकवास कर रहे हैं, मामू के सामने ऐसे बात करते हैं? बकवास नहीं कर रहा हूं, इनकी आंखों पर जो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है ना, वो खोलने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन शायद ये भी कुछ नहीं जानना समझना चाहते। रोजा, आप क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप अपने पेरेंट्स को मेरे घर लेकर आएंगे, मुझसे शादी करेंगे, आप बताएं उन सबको। मैं पीछे पड़ी थी रजा, मैं पड़ी थी, तो वो सब कुछ क्या था जो आपने मेरी अम्मी से बोला? घर में आपको पसंद ही नहीं थी तो क्यों आप मेरे पीछे पड़े थे? रजा प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। शानजे बेटा, क्या मुंह फुला के बैठी हूँ इधर? तुम्हें पता है कि रजा की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही, तुम्हें तो खुश होना चाहिए बेटा। खुश हूं मैं उसके लिए, अगर उसने जो कुछ उस लड़की के साथ किया वो गलत है। What's the big deal, बेटा? लड़के तो ऐसी शरारतें करते रहते हैं। कैसी बातें कर रही हैं मॉम? जिसे आप शरारत कह रही हैं उसको धोखा कहते हैं? जो भी कहते हैं ना, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? क्योंकि मॉम मैं खुद भी एक लड़की हूँ, खुद को जब उस लड़की की जगह रखकर सोचती हूँ तो डर लगता है। जो कुछ उसके साथ हुआ अगर मेरे साथ हो तो आप क्या कहेंगी? क्या, अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ हो। बेटा हमदान ऐसा लड़का नहीं है।
हमदान मेरा भांजा है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ सकता। मर्द का दिल और नीयत बदलने में वक्त नहीं लगता मॉम। क्या उसने कोई ऐसी वैसी बात की कि तुम ऐसे महसूस हो रहे? ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे डर लगता है कहीं रजा के किए की सजा मुझे ना भुगतनी पड़े। हम आपने सुना है ना, लोग कहते हैं कि बाप और भाई का किया बहन और बेटी को फेस करना पड़ता है। मैं तो ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मेरे और हमदान के बीच में। बेटा पागल मत बनो, मैंने हमदान की आंखों में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत देखी है। तुम ऐसे सोच के ना बस अपने आप को परेशान करती रहती हो। स्टॉप इट। वक्त का पता थोड़ी चलता है मॉम। हाँ बेटा, बट आई ट्रस्ट हिम, ही इज अ गुड बॉय। प्लीज राजा के सामने ऐसी वैसी कोई फजूल बात मत करना। कह भी दी तो उसे कौन सा फर्क पड़ेगा? मॉम प्लीज, आप रजा को इस तरह की बातों में सपोर्ट करना, उसको शह देना बंद कर दें, ये ठीक नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं शह देती हूँ? आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस नॉनसेंस, फॉरगेट इट। अस्सलाम वालेकुम अंकल। ये कौन है उस्मान? और भाई ऐना कहाँ है? सबूत मांगा था ना आपने मुझसे, सबूत लेके आया हूँ। यासिर बताओ ऐना, तुमने ऐना को कहाँ और किसके साथ देखा था? जी अंकल, मैं जब अपने दोस्त को लाहौर वाली गाड़ी में बिठाने गया तो मैंने देखा आयमा और ऐना दोनों बस स्टैंड पर हैं। ऐना शायद लाहौर या कराची वाली गाड़ी में बैठ रही थी और आयमा ने यही कपड़े पहने थे जो अभी पहने हैं।
ऐना को कराची जाना था, मैं उसको खुद बस स्टॉप पर छोड़ने गई थी। मुझे नहीं पता था, मुझे पता था।